प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अभी हमने इससे पहले एक क्लास ली है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को ना देखा हो, एक बार अवश्य देख लें। अब हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बड़े बेसिक से अर्थव्यवस्था की समझ को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चल रही है। आप देख सकते हैं एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। अभी यहां पर हम तथ्य की समझ आपको दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम आपको फैक्ट भी बताएंगे साथ के साथ में, और उससे आपको और जो है चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, फिर करंट से अपडेट हो जाए, तो ऐसे कर करके आप देखेंगे इकोनॉमिक्स आपकी बेहतर समझ हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कोई चीज अलग से पढ़नी नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करना है। जो कराया जा रहा है केवल इसी को आप बार बार देखें, बार बार इसको समझने का प्रयास करें, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं, इस दूसरे लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि भाई हमने योजना आयोग की बात कर ली थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर ली थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की हम लोग बात कर रहे थे, नीति आयोग पर हम लोग बात कर रहे थे। नीति आयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहीं से हम चीजों को समझेंगे। आप इसको देखिए, नीति आयोग हमने बताया था कि यह इंग्लिश टर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए NITI, नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान, आप इस बात को देख सकते हैं। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को एक प्रारूप लेके आया गया, और इसको जो है हमने, आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को हम प्रारूप लेके आए, और उसके बाद आप देखेंगे कि 16 फरवरी 2015 को इसका गठन कर लिया गया। लेकिन इसने जिस बॉडी की जगह पर अपना स्थान बनाया, वह बॉडी कौन सी थी? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग को लेके आया गया। अब आप देखेंगे जब नीति आयोग को लेके आया है, आए हैं हम, तो इसके संरचना में और हमने विस्तार करना पड़ेगा। वही चीज आपको यहां पर बताया गया कि भाई देखिए, अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, अध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अब इसमें और चीजें आपने देखा होगा कि इसके शासित परिषद में सभी राज्य एवं विधान मंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर सब क्या है, सब इसमें शामिल कर दिया गया। और एक से अधिक राज्य या क्षेत्र डालने पर विशेष मुद्दों पर आकस्मिकता की स्थिति में क्षेत्रीय परिषद भी क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। कोई विवाद हम नहीं चाहते हैं भाई। और यह एक निर्धारित अवधि के लिए गठित होंगे और प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के संयोजक होंगे और उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो एक पूरी बड़ी जो है टीम बना दी गई। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान रखने के लिए विषय विशेषज्ञ, मतलब जो स्पेशलाइजेशन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा क्या किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद अगली बात आप समझो, पूर्णकालिक संरचनात्मक, आप देख सकते हैं कि ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्राइम मिनिस्टर के अलावा निम्नलिखित भी लोग शामिल हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए। आइए इसको हम लोग समझते हैं। उपाध्यक्ष जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सदस्य, इसकी हमने पूर्णकालिक की बात की है, अंशकालिक सदस्य की बात आप देखिएगा, इसमें कौन कौन होंगे, अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों तथा अन्य संबंध संस्थानों में अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे, 2 पद है इसके लिए, वो सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर की जाएगी, साइक्लिक आधार पर की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो पदेन सदस्य हैं, अधिकतम 4 सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, और आवश्यकता अनुसार इसका क्या होगा, सचिवालय होगा। और हमने ये बताया कि राज्य के साथ समन्वय से सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करते हुए नीति का गत्यात्मकता और दिशा प्रदान करने के लिए सरकार के लिए ये पूरी व्यवस्था किस चीज काम करती है, थिंक टैंक का काम करती है। समझिएगा, मतलब समझिए, योजना आयोग भी क्या थी, प्लानिंग कमीशन भी क्या था, प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी, नीति आयोग भी क्या है, नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है, और यह योजना आयोग की जगह पर अपने आप को प्रतिस्थापित कर लिया अपने रूप को बड़ा करते हुए। मतलब हमने इसमें और बेहतर चीजें के बारे में सोचा, हमने देखा कि क्षेत्र विशेष के लिए बेहतरीन और विशेषज्ञों की टीम बनाई जाए, और हमने इसमें सबको जोड़ने, प्रत्येक राज्य को भी हमने यहां पर इसके मेंबर के रूप में यहां पर जोड़ने का हमने प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं।
अब यहां से बच्चों थोड़ा सा हम आगे आपको ले चले चलते हैं और इन चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज पे और बात करते हैं, नीति आयोग के क्षेत्रीय उद्देश्य और उनकी उपलब्धियों पर बात करेंगे। जरा पहले नीति आयोग वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है कृषि। आइए देखते हैं कि नीति आयोग का कृषि पर किस तरह से उसका क्या रिपोर्ट है, क्या विचार है, क्या कहता है कृषि के लिए। कृषि में देखिए फसल, बागवानी और पशुधन संबंधी मांग, ठीक है, खेती बाड़ी हो, बागवानी हो, पशु हो, और आपूर्ति के परिदृश्य का पता लगाने के लिए कार्यदल का गठन किया जाए। समझ रहे हैं, पहला पॉइंट कृषि में। पशुधन एवं डेयरी उद्योग का संघारणीय विकास, किसानों के लिए मूल्य समर्थन, ठीक है, ऐसा ना हो कि किसानों को, किसानों के अन्न का कोई मूल्य सही प्रकार से न तय हो पा रहा हो और गरीबी वहीं पर व्याप्त हो। इंडिया एट द रेट ऑफ 75 के लिए विकास एजेंडा, इस बात को हमें ध्यान दीजिएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए विजन 2030, पूर्वोत्तर में बांस विकास के लिए कार्य योजना, आवंतर भुगतान संबंधी प्रायोजित योजना, कृषि बीमा के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, इमारती लकड़ी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना। आप देख रहे हैं ये पूरा ही मैटर जो है यह कृषि से संबंधित है। हमने कृषि को रखा है, किस तरह से हमारे टारगेट क्या है, उसका लाभ में किसानों को कैसे पहुंचाना, इन सारे मुद्दों को जो है ये पहला जो है नीति आयोग लेके आता है। दूसरा देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात अगर करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूखा आकलन और किसानों को जो राहत मिलता है, उन सारे चीजों पर नीति आयोग क्या करेगा, ध्यान रखेगा। स्वास्थ्य, नीति आयोग का 3 वर्षीय एजेंडा है, 3 साल का एजेंडा है। भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार करेगा, सुधार के लिए एडवाइज करेगा। स्वास्थ्य परिणामों के संबंध में राज्यों के निष्पादन का आकलन, स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक पर निष्पादन। इसके बाद देखिए मानव पूंजी परिवर्तन हेतु संघारणी तथा साथ कार्यक्रम, जिला अस्पतालों के निष्पादन का पता लगाने का के लिए पोर्टल, औषधि निर्माण के क्षेत्र में सुधार। मतलब हम स्वास्थ्य पर भी, पूरा स्वास्थ्य पर जो है नीति आयोग का प्रॉपर ध्यान है कि हर व्यक्ति को एक स्वास्थ्य किस तरह से मुहैया किया जाएगा, जिसके लिए इस एजेंडे की वो बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास, अब हम महिला और स्वास्थ्य की बात करें और महिला और बाल विकास की बात न करें तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम योजना जारी करेगा, विकास एजेंडा 2022 के लिए जेंडर और पोषण संबंधी पेपर भी तैयार करेगा, NNM के कार्य में सहयोग करेगा, ठीक है, और जो है PMMVY का मूल्यांकन करेगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का प्रॉपर मूल्यांकन करेगा कि योजना ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। फील्ड दौरा का आयोजन करेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों का मूल्यांकन एवं जांच करेगा, प्रधानमंत्री के राज्य दौरों के लिए ब्रीफ तैयार करेगा और संसद प्रश्न में RTI आवेदन पर यह जो है अपना प्रस्ताव देगा। तो ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। शासन एवं अनुसंधान, ठीक है, शासन एवं अनुसंधान वर्टिकल में भारत सरकार के साथ विभिन्न क्रमशः कार्मिक एवं प्रशिक्षण, पहला पॉइंट, लोक शिकायत, ठीक, लोक शिकायत, लोगों की जो शिकायत है जन निवारण की बात करेगा, पेंशन, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है, खाद्य एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, उर्वरक एवं रसायन एवं पेट्रोलियम के नोडल प्रभाव भी इसमें शामिल है, जिसमें देख सकते हैं उर्वरक का प्रत्यक्ष लाभ, ठीक, का आवंटन, DBD बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार, ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजार से संबंधित समिति, नए भारत के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर कार्यदल, पीले मटर पर शुल्क ढांचे की समीक्षा, ये सारे पॉइंट हैं जिसमें शासन एवं अनुसंधान के पॉइंट है जिस पर यह काम करेगा। मानव संसाधन विकास, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए बात करेगा, विद्यालय स्तर की शिक्षा पर बात करेगा, युवा कार्य, खेल और संस्कृति पर बात करेगा, शहरी प्रबंधन, स्मार्ट नगर, ठीक है, संसूचित शहरीकरण पर ज्ञान साझेदारी कार्यशाला, डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना के लिए सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप, नगर पालिका वित्त संबंधी कार्यशाला, ग्रामीण विकास की बात करेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास की बात करेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का मासिक एवं त्रैमासिक डैशबोर्ड तथा दीन दयाल अंत्योदय योजना पर ध्यान देगा, देश में आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में जल संसाधनों के विकास हेतु सहायता करेगा, जिन जगहों पर पेयजल की दिक्कत है, जहां पे आर्सेनिक जैसे तत्व भूमि में पाए जा रहे हैं, वहां पर जो है पानी के लिए ये लगातार बताएगा कि कहां कहां पानी पहुंचाना है, स्वच्छ भारत अभियान की बात करेगा, ठीक है। ये सारा जो आप देख सकते हैं, ये सारा जो विकास है, यह ग्रामीण विकास की बात हुई है, इसी तरह से आप देख सकते हैं ऊर्जा एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी इसका ध्यान रहेगा,
विद्युत इकाई एवं कोयला एकक, नवीकरण क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और अनुसंधान, ये सारा पॉइंट भी इसके पास है। उद्योग, मेक इन इंडिया, व्यापार करने में सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर, चीन के विकास, चीन की विकास अनुसंधान परिषद और नीति आयोग के बीच तीसरी वार्ता, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बर्मिंघम यूके के इनोवेट 2017 में सहभागिता, हितधारकों के साथ विचार विमर्श, ये भी पॉइंट आप देखिए, उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन सारे पॉइंटों पर लगातार, यह चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चीन की बात करें, बर्मिंघम की बात करें, इन सबके साथ लगातार ये संपर्क बनाएगा। और इसके बाद देखिए जो अवसंरचना है, इस पर देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोत परितंत्र कार्य क्षमता पर बात करेगा, निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा, मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति पर काम करेगा, समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पर काम करेगा, रेल सुरक्षा निधि के लिए अनुवक्षी समिति पर काम करेगा। ग्यारहवां पॉइंट प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण, आप देख सकते हैं पर्यावरण एवं वन पर बात करेगा, ठीक है। आप यहां पर देखिए इमारती कास्ट में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उचित कार्य नीति बनाना, स्वच्छ हवा बेहतर जीवन की पहल करेगा, पर्यावरण पर भी ध्यान रहेगा। आप एक चीज देखिए ना, नीति आयोग की जो दायित्व है वह नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक और जीवन से जुड़ी हुई हर पहलुओं पर कौन ध्यान दे रहा है, नीति आयोग ध्यान दे रहा है। अभी आप देखिए इसमें साइंस एंड टेक है, सामाजिक न्याय अधिकरण है, ये सारा आप यहां पर देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप यहां पर देखिए साइंस एंड टेक, मेक इन इंडिया, रक्षा कवच में, मिथेनॉल अर्थव्यवस्था, मिथेनॉल एवं ईथर तेल एवं प्राकृतिक गैस के विकल्प के रूप में उभरे हैं, वैज्ञानिक विभागों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक सुधार, सामाजिक न्याय की अधिकारिता, जनजाति अनुसंधानों का नवीनीकरण, अनुसूचित उप योजनाओं तथा जनजाति उप योजनाओं के अनुवीक्षण तथा समीक्षा के लिए संस्थागत प्रक्रिया, वाम मंथी उग्रवादी क्षेत्रों तथा जनजातियों के लिए आजीविका अवसरों का संकल्पना पत्र। कहने का मतलब ये, इसमें कुल 13 पॉइंट है बच्चों, आप इसको जरा ऐसे समझें, इस 13 पॉइंट को आप देखें, इसे आप एक चीज समझिएगा। सबसे पहले हमने बात किया नीति आयोग के जो क्षेत्रीय उद्देश्य है, इसमें सबसे पहले हमने बात की कृषि की, यानी कृषि के डेवलपमेंट पर पूरा नीति आयोग ने अपना ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। कृषि हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया यहां पर हमने बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की, उसके बाद हमने कहा कि स्वास्थ्य हो गया, महिला विकास, बाल विकास हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बात हम जरूर करेंगे। शासन एवं अनुसंधान की बात किया, मानव संसाधन विकास की बात किया, शहरी प्रबंधन की बात किया, ग्रामीण विकास की बात कर रहा है, ऊर्जा एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कर रहा है, उद्योग जगत की बात कर रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर उद्योग जगत की बात हो रही है, और इसके बाद अब जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण की हम लोग लगातार यहां पर बात कर रहे हैं, विज्ञान साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बात कर रहे हैं। इस तरह से इन कुछ 13 क्षेत्रों में मतलब आप देख सकते हैं कि नीति आयोग को एक व्यापक तरीके से फैला दिया गया, हर एक विभाग में परामर्श, यह कैसे जाता है, यह इसको करना नहीं है, यह एडवाइजरी बॉडी है, बातचीत करेगी, देखेगी और गवर्नमेंट को बताएगी, सुझाव देगी कि भाई देखो ये चीज यहां पे चल रहा है, यानी इन सारी चीजों पर ध्यान रखने का दायित्व तो किसका है, नीति आयोग का है। अगर आपको कहीं लगता है कि इन सारे मुद्दों में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप नीति आयोग को सूचित करिए, नीति आयोग निश्चित रूप से वह क्या करेगा, यह सारी बातों का आकलन करेगा, मतलब इस पर नीति आयोग की बात जो होगी वह प्रॉपर मानी जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सपर्ट हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ हैं, और पूरा देश क्या है, पूरे देश के मंत्रिमंडल और जो कुछ कुछ बातें और यहाँ पर बताने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमने नीति आयोग की भी बात की आपको और अच्छे प्रकार समझाया कि भाई ये हमने देखा कि नीति आयोग जो है किस तरह से गठन हुआ है नीति आयोग का और किस तरह से यह जो है कार्यान्वयन करती है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे जिन्हें आपको जानना चाहिए। सबसे पहला इसमें जो अगला पॉइंट है आप देख सकते हैं अटल नवाचार मिशन। आइए समझते हैं कि अटल नवाचार मिशन क्या है। स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग सेतु SUTU को समाहित कर 2016 की बात है,
यानी आप देख सकते हैं यह बात चल रही है 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की, क्योंकि हमने बताया था कि 12 से लेकर 17 तक का पीरियड कौन सा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो आप देख सकते हैं स्वरोजगार एवं प्रतिभा उद्योग सेतु SETU को समाहित कर 2016 में अटल नवाचार मिशन की शुरुआत की गई। ठीक, पहले तो यह कब शुरू किया गया। अब देखिए यह स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का ही एक हिस्सा है। इसके लिए नीति आयोग में एक मिशन निदेशालय बनाया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO इस मिशन के निदेशक बनाए गए हैं। मतलब यह जो योजना है बेसिकली यह नीति आयोग का ही क्या है, एक मिशन है। मिशन की सभी गतिविधियों को सुचारू संचालन के लिए सितंबर से नवंबर 2016 के बीच 4 प्रबंधक नियुक्त किए भी जा चुके हैं। नीति आयोग द्वारा मेटर इंडिया कैंपेन की शुरुआत 23 अगस्त 2017 को की गई। इस अभियान के तहत देश भर में 900 से ज्यादा, आप इस बात को समझिएगा, पूरे देश में 900 से ज्यादा अटल टिकरिंग लैब्स ATL अटल टिकरिंग लैब्स, ठीक है, के छात्रों को उद्योगों के प्रमुखों द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बात को समझिएगा। तो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया इस मिशन के तहत। अटल टिकरिंग लैब्स बाल प्रतिभाओं की कैसी है, प्रयोगशाला है। तो देखिए जब बाल विकास होगा, जब बच्चे का एक सही तरह से विकास होगा, जब हम बच्चे के डेवलपमेंट की बात करेंगे तभी देश का क्या होगा, विकास होगा। और इन सारे विकास की बात जो है हम जो है नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के द्वारा करते हैं। और आपने देखा कि यह मिशन कब लाया गया, 2016 में। अब यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद आप और देखिए, प्रारंभिक छानबीन के बाद 595, हमने टारगेट कितना रखा था 900, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 595 लगभग 600 मान लीजिए स्कूलों को नवंबर के प्रथम सप्ताह में देश के 6 शहरों में चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में भाग लेने के लिए बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ा डाटा है। हमने 900 में से 595 यानी लगभग 600 स्कूलों को हमने क्या किया, फाइनली जो हमने डिसाइड किया और उनको हमने क्या किया, बुलाया कि आप आइए इसमें भाग लीजिए। प्रत्येक आमंत्रित विद्यालय को अपने क्षेत्र के दो दो चुनौतियों की पहचान कर उनका समाधान बताने को कहा गया। इस समाधानों की परख सभी 6 केंद्रों में एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल में अलग किया गया। आप देख सकते हैं देश के विकास में हमने क्या किया, जो है हर जगह से दो दो टू टू। आप यहां पर देखिएगा अपने अपने क्षेत्र की दो जो चुनौतियां हैं, आप अपने क्षेत्र की दो चुनौतियां बताइए। पहले हम देखिए हमने क्या कहा था, प्राथमिकता के स्तर पर विकास किया जाएगा। तो हम दो दो चुनौतियां पर बात करेंगे, दो दो चुनौतियां लेके आएंगे हर क्षेत्र की, और उन दो चुनौतियों पर हम बात करने के लिए यहां पर कहा गया है। और इन समाधानों की परख सभी 6 केंद्रों में एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने अलग अलग किया। इसके बाद देखिए इस दौर के अंकों के आधार पर शीर्ष 257 स्कूलों को पहले चरण में 2016 के ATL अनुदान दिया गया। इन स्कूलों को वर्तमान में वित्तीय अनुदान जारी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके तहत एक मिशन लाया गया। इस मिशन से हम क्या पहुंचे, स्कूल तक पहुंचे, वहां की समस्याओं को समझे, उन समस्याओं को हमने पॉइंट आउट किया, सॉर्ट आउट किया। और अब हम 257 जो शीर्ष जो है जहां की मुख्य समस्या थी, हमें लगा कि निश्चित रूप से इन समस्याओं को दूर करना चाहिए और इसको पहले करना चाहिए। तो इस तरह से हमने पहला टारगेट रखा कि पहले हम इतना टारगेट पूरा करते हैं। तो मैं 257 स्कूलों को पहले चरण में इसको हमने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, इसको ग्रांट जारी किया गया है और आप देख सकते हैं इसका लाभ इनको मिल रहा है। इसी तरह से ये देखिए हमने बताया कि किस तरह से जो है ATL, ठीक है, ATL के बारे में आपको बताया। और यहां पर आपने देखा कि यह जो है अटल नवाचार मिशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि नीति आयोग का एक मिशन है। अब अगली बात मैं आपको कर रहा हूं डिजिटल भुगतान आंदोलन की बात, जरा समझे। देखिए हम कह रहे हैं लगातार बात ये की जा रही है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान करें, UPI से भुगतान करें। UPI के कुछ जो है जितने भी डिजिटल माध्यम है, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, किसी भी अन्य माध्यमों से जो पे के कार्ड स्वैपिंग वाला हो, जितने भी हम डिजिटल भुगतान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं डिजिटल समस्याएं भी हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है कि पैसा फंस गया रास्ते में, पैसा दो दिन बाद पहुंच रहा है जबकि आपको तुरंत ही उस पैसे को पहुंचाना था। तो कई सारी समस्याएं हैं, अभी नेटवर्किंग समस्या है, लेकिन इस दिशा में देश क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है देश, इस दिशा में काम कर रहा है। तो डिजिटल भुगतान के विकल्पों को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक जीवन से कालाधन और भ्रष्टाचार को दूर
भगाने की भारत सरकार की रणनीति का अभिन्न अंग है। इस बात को आप समझिएगा, मैं आपको इस बात को बता रहा हूं। डिजिटल भुगतान के विकल्प को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। डिजिटल भुगतान के विकल्प को डेवलप करना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में काला धन और भ्रष्टाचार को दूर भगाने के लिए भारत सरकार की रणनीति का अभिन्न अंग है। पर जब सारा चीज, जब पेमेंट ही डिजिटल होगा तो ब्लैक मनी कहां से आएगा, इस बात को समझिएगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और सारा पेमेंट आपने डिजिटल से किया, आप इस बात को देखिए, तो निश्चित रूप से फिर क्या हो जाएगा, बहुत तरह से कर चोरी, ये वो, ब्लैक मनी। तो आप देख सकते हैं इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो है यहां पर हमें यह एक देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का अभिन्न अंग है और इसका लाभ गवर्नमेंट को मिलेगा। द्वीपों का समन्वय विकास, अब इस बात को देखिएगा, द्वीपों का समन्वय विकास, दूर दराज समुद्रों में द्वीप हैं, उनके डेवलपमेंट पर कौन ध्यान देगा, नीति आयोग। नीति आयोग ने समुद्री व्यापार, ठीक है, जहाज रानी, मत्स्य पालन, पर्याभ्रमण, अधो समुद्री खनन, तेल एवं गैस, अन्य सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु चिन्हित द्वीपों के विकास की प्रक्रिया शुरू की है। इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए हमने क्या कहा, भाई द्वीप का विकास कैसे होगा, किसी भी चीज का विकास कैसे होगा जब हम संसाधन के प्रॉपर दोहन की तरफ चलेंगे। तो वही बात यहां पर कही गई है कि चाहे वह समुद्री व्यापार की बात हो, जहाज रानी की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, पर्याभ्रमण की बात हो, अधो समुद्री खनन की बात हो, तेल एवं गैस की बात हो, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की बात हो, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इन चिन्हों का, इनको में क्या किया गया, चिन्हित किया गया है और इसके विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है। 10 द्वीपों में शामिल है, कौन कौन से 10 द्वीप शामिल है इसके अंतर्गत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप देखिए द्वीप समूह के साथ स्मिथ, रास, लांग्स, एविस, लिटिल अंडमान, लक्षद्वीप समूह के मिनिकार, वगारम, तिन्नाकारा, चेरियम और सुहेली द्वीप, ये सारे 10 द्वीपों को इसमें लिया गया। आप यहां पर देखिएगा 10 द्वीप कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्मिथ द्वीप, रास, लॉन्ग्स, एविस और लिटिल अंडमान, ठीक है। और इसी तरह से लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप का कौन कौन, मिनिकाय, वागारम, तिन्नाकारा, चेरियम और सुहेली, मतलब आप देखेंगे लक्षद्वीप से कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, और अंडमान निकोबार से देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 अंडमान निकोबार से ले लिया गया और 5 कहां से ले लिया गया, 5 ले गए लक्षद्वीप समूह से। तो इस तरह से हमने अभी क्या किया है, 10 द्वीपों को शामिल किया है, उनके डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद देखिए स्पर्धात्मक सहकारी संघवाद, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, स्पर्धात्मक सहकारी संघवाद, आइए इसमें देखते हैं। नीति आयोग का गठन, भारत में सुशासन लाने के लिए सहयोगी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को अमली जामा पहनाने एवं एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले राज्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया। ये बात तो आप समझ ही पा रहे हैं कि भाई यह एक एडवाइजरी बॉडी है, लेकिन यह साथ के साथ देश के विकास की क्या है, एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, राज्यों के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लगातार विकास की बात कर रहा है और उस दिशा में अपना गाइडलाइन भी जारी कर रहा है। अगली बात आप देखिए, किसी भी संघीय सरकार के लिए राज्यों के सक्रिय सहयोग के बिना राष्ट्रीय उद्देश्यों का इतिहास करना संभव नहीं। अगर देखिए स्टेट गवर्नमेंट टांग खींचेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, इस बात को समझिएगा, एक तरफ राज्य की भूमिका जितनी है और दूसरी तरफ केंद्र की भूमिका इतनी है। एक दूसरे के सहयोग से ही हम क्या कर सकते हैं, विकास को लेके आगे बढ़ेंगे। हमने बताया ना आपको योजना आयोग और नीति आयोग में क्या किया गया, नीति आयोग में राज्य के मुख्यमंत्रियों और अन्य सचिवों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया, तभी तो हम तालमेल सही से बैठा पाएंगे, नहीं तो तालमेल बैठ नहीं पाएगा, अपनी दफली अपना राग। यहां पर आप देखिए क्षेत्रीय विवाद के लिए हमने क्षेत्रीय बोर्ड का भी गठन किया, जहां विवाद हो वहां पर बोर्ड की बात लाएंगे, उसकी बात को सुनेंगे, विकास कैसे करना है इस पर बात करेंगे। तो ये आप देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि किसी भी संघीय सरकार के लिए राज्यों के सक्रिय सहयोग के बिना राष्ट्रीय उद्योगों को हासिल करना संभव है। इसीलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें समानता के आधार पर मिलकर क्या करें, काम करें। यह आप देख लीजिएगा कृषि हितैषी सुधार सूचकांक, ठीक, आइए देखते हैं। अब हमने कृषि के सारे पॉइंट को बताया था, लेकिन यहां पर आप देखिएगा कृषि हितैषी सुधार सूचकांक, इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वन के वृक्षों की कटाई एवं परिवहन के तीन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकताओं के प्रति राज्यों को तैयार करने के लिए पहली बार कृषि विपणन और कृषि हितैषी सूचकांक तैयार किए हैं। आप इस बात को देखिए, इसमें तीन पॉइंट लिया गया है, क्या क्या तीन पॉइंट है फिर समझिए। नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार
और निजी भूमि पर वनिकी यानी वृक्षों की कटाई एवं परिवहन, ये तीन पॉइंट है। कौन कौन सा पॉइंट है? पहले कृषि बाजार सुधारो, भाई फसल हो गई बाजारी नहीं है कहां बेचेंगे, तो बाजार की व्यवस्था की जाए। ठीक, भूमि पट्टा सुधार, भूमि सही प्रकार से सही व्यक्ति में आवंटित हो, कोई उसमें दिक्कत ना हो। भूमि पट्टा सुधार, निजी भूमि पर बनकी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पर्यावरण को हमें ठीक रखना पड़ेगा, तो हमें वृक्षों की कटाई पर ध्यान रखना पड़ेगा, वृक्ष कटाई ना हो, और अगर कटाई हो रही है जरूरत पड़ने पर तो उसी आधार में वृक्षों का रोपण हो। और परिवहन की बात, इन तीनों क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति राज्यों को तैयार करने के लिए पहली बार कृषि विपणन एवं कृषि सूचकांक उसने इंडेक्स जारी कर दिया है। इससे पता चल जाएगा कि इसमें कौन से राज्य हैं जो सही प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन से राज्य हैं जो इसमें सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस इंडेक्स के माध्यम से हम चीजों को समझ पाएंगे। इसी तरह राज्यों के कार्य निष्पादन को मापने के लिए भी सूचकांक बनाया गया है कि भाई राज्य का कैसे पता चलेगा। 16-17 की बात है, 2016-17 यानी अभी आप समझिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम चरण। नीति आयोग ने तीन प्रमुख सूचकांक विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया है जो देश की प्रतियोगी सहकारी संचवाद को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आयोग ने मेवा सेवा शिक्षा और जल के महत्वपूर्ण अधिकार सामाजिक क्षेत्रों में परिणाम आधारित निगरानी ढांचा स्थापित करने का भी प्रयास किया। देखिए एजुकेशन बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आप किसी भी देश को विकास करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा पर काम करना ही पड़ेगा। तो वही बात यहां पर कहा जा रहा है कि हम वहां की सेवा के बारे में बात करेंगे, हम वहां की शिक्षा के बारे में बात करेंगे, हम वहां पर पेयजल के बारे में बात करेंगे, इन सारी सामाजिक क्षेत्रों में जितनी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं पर हमने क्या किया है, लगातार इस पर हम निगरानी रखने का और इस पर सही दिशा में गाइडलाइन देने का प्रयास लगातार क्या है, जारी है। तो हमने ये बताया, ये स्टेट वाइज हमने पूरा ध्यान रखा है। स्वास्थ्य में जो है, स्वास्थ्य के लिए भी एक सूचकांक जारी किया गया है जिसको हम स्वास्थ्य परिणाम प्रदर्शन सूचकांक करते हैं। देखिए जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वह काम कर सकता है, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, बीमार है, तो वह क्या कर सकता है, उसकी गुणवत्ता में इफेक्ट आ जाएगा, वह काम पर नहीं पहुंच पाएगा, कार्य जो है प्रभावित होगा, कार्य प्रभावित होगा तो देश का विकास भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसका मतलब व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए क्या होना चाहिए, उसको हमने कहा कि हम ठीक है आपको अच्छा भोजन देंगे, पर्यावरण देंगे, सारी चीजें देंगे, लेकिन साथ के साथ अगर आपका तबीयत खराब है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए उचित जो है अस्पताल का प्रबंध होना चाहिए, सस्ती दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, सबकी पहुंच तक दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, तभी तो जीवन की गुणवत्ता क्या हो जाएगी, बेहतर हो पाएगी। तो यहीं पर यह बात कहा गया है कि स्वास्थ्य परिणाम प्रदर्शक सूचकांक, इसे हम क्या करेंगे, राज्य के जो है हम इस सूचकांक में देख पाएंगे कि उन्होंने किसने अपने स्वास्थ्य पर काम किया है। राज्यों द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन के लिए नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार आयोग मंत्रालय ने संयुक्त ने सचिव रूप से स्वास्थ्य परामों की कसौटी पर प्रदर्शन का सूचकांक तैयार किया है। विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, आप इस बात को देखिएगा, नीति आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया, इस पर हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो की सहभागिता से विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक की रूपरेखा तैयार की है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके संयुक्त सूचकांक के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों के सुधार के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मतलब ईयर टू ईयर राज्यों के स्कूलों में जो शैक्षिक दिया जा रहा है, शिक्षा दिया रहा है, उसकी क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट है वो ईयर टू ईयर क्या हो जाएगा, वो उनको नीति आयोग को सूचना देना पड़ेगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जल प्रबंधन सूचकांक, भारत में मैंने बताया था जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व को देखते हुए नीति आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक तैयार कर रहा है। यह सूचकांक संबंधित मंत्रालय, विभागों एवं अन्य संबंधित पक्षों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। निश्चित रूप से जल, जल विवाद, जल बंटवारा, सारी चीजों पर हम चाहते हैं कि हमारे आपसी गृह क्लेश न हो और इस पर नीति आयोग की एक अहम भूमिका होती है। बच्चों आज की क्लास में हमने नीति आयोग और उसके विभिन्न आयामों को हमने देखा, किस तरह से नीति आयोग जो है एक इफेक्टिव बॉडी के रूप में क्या है, वरदान साबित हो रहा है, किस तरह से वह विकास को सही दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास करवा रहा है, किस तरह से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो है जन जन तक इसकी जो है पहुंच बढ़ी है और किस प्रकार से यह समन्वय बना करके देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो आपने इस तरह से आज नीति आयोग को अच्छी प्रकार समझा है। मिलते हैं बच्चों
अगले लेक्चर में, और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे अर्थव्यवस्था की अगली क्लास के साथ। यहीं पर अपने शब्दों को अंशकालिक रूप से विराम देते हुए, यहीं पर अपनी बातों को रोकते हुए अगले लेक्चर मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।